क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, अगर आप भी झांसे में आ जाते हैं और फेक न्यूज फॉरवर्ड करते हैं, जैसे पुलिस अयोध्या पर फैसले से पहले मैसेज और कॉल पर नजर रख रही थी, ये फेक था, या हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर CGI के शानदार योगदान के लिए बधाई वाला PM मोदी का ट्वीट और लेटर, लेटर उतना ही फेक था जितना कि सिग्नेचर, बिल्कुल जैसे वैसे आपने बचपन में अपने रिपोर्ट कार्ड में कभी कोई फर्जी सिग्नेचर किया होगा। लेकिन फेक न्यूज इतना ही नहीं है, जाने नवंबर महीने में फैलाए गए ऐसे ही फेक न्यूज जिसके झांसे में शायद आप भी आ गए होंगे। अयोध्या, ओ हाँ, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, खासकर उन लोगों को जो राम या रहीम के नाम पर फेक न्यूज फैला रहे हैं। इस फेक इमेज की तरह जो इस कैप्शन के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई, बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज अदा की गई, इसके बाद मस्जिद की ये जगह हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी जाएगी, #अयोध्या वर्डिक्ट #बाबरी मस्जिद। ये तस्वीर दिल्ली के जामी मस्जिद की थी और JNU पर तो पूछिए ही मत, जहां जेन्युइन प्रोटेस्ट होते हैं वहां फेक न्यूज की बाढ़ आती है। ये एक पुरानी कहावत है जो मैंने अभी अभी बनाया है। फेसबुक पर एक लड़की की इस तस्वीर को काफी सर्कुलेट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये 43 साल की है और JNU में स्टूडेंट है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि उसकी बेटी भी यही पढ़ती है। टीम वेबकूफ इस JNU स्टूडेंट के पास गई थी तो ये पता चला कि वो 23 साल की है, और इसके अलावा मुद्दे की बात यह है कि 43 साल की मां स्टूडेंट नहीं हो सकती क्या? पहली बात तो ये कि खबर फेक थी, और उसके ऊपर ऐसी धारणा तो और भी बुरी है। JNU में विरोध कर रहे छात्रों की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए ऑनलाइन मीडियम का खूब इस्तेमाल हुआ, जैसे कंडोम का इस्तेमाल बालों को बांधने के लिए किया जा रहा है, जो कि एक पुराना मीम था। JNU के पंकज मिश्रा की तस्वीर को केरल का मईनुद्दीन बताकर शेयर की गई, ये उनकी छवि खराब करने की कोशिश थी। तस्वीर शेयर करने वालों को हम BJP सार्थक प्रोपेगेंडिस्ट भी कह सकते हैं। मेरा नाम पंकज है, मैं इलाहाबाद से हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैंने इसी साल 2019 में MPhil में जो है एडमिशन लिया है सोशल मेडिसिन कम्युनिटी हेल्थ का। लोगों ने अभी मीडिया में और जो है फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से एक अफवाह देखी होगी कि मुझे जो है मेरी फोटो को टैग करके उसमें सर्कल बना के ये दिखाया जा रहा है कि मेरा नाम मोहिद्दीन है, मैं केरला का निवासी हूँ और मैं 47 साल का हूँ। किसी में दिखाया गया कि मैं 41 साल का हूँ और यहाँ 30 साल से PhD कर रहा हूँ, जो एक सरासर गलत न्यूज है। और ये तो सिर्फ कुछ ही उदाहरण है, ज्यादा जानकारी के लिए क्विंट हिंदी के वेबकूफ सेक्शन को देखें। फ्लैग्स अहॉय, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली फेक न्यूज फैक्ट्री मूव ऑन नहीं कर पा रही है और इसे फिर से पुराना पाकिस्तानी झंडा मिल गया और इस्लामिक फ्लैग वाला कंफ्यूजन फिर से हो गया। इमिग्रेशन ऑफिस के ऊपर लगे पाकिस्तानी फ्लैग की एक तस्वीर करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की एक फोटो बन गई और जलंधर में इस्लामिक फ्लैग एक वीडियो में पाकिस्तानी फ्लैग बताई गई। व्हाइट डायमंड कीरो मौला ओदे लागे है जी विजय कलोनी दे विच अज पाकिस्तान दे झंडे लहरा रहे ने जी। कुछ लोगों ने इसे सस्पिशियस माना और टीम वेबकूफ ने इसकी सच्चाई सामने लाई। फेक न्यूज के बारे में ज्यादा जानकारी और आप बेवकूफ न दिखे इसके टिप्स लेने के लिए क्विंट हिंदी के वेबकूफ सेक्शन को देखें और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं।